बिहार पुलिस परीक्षा 11 अगस्त 2024 को पूछे गए प्रश्न एक नंबर का। एक नंबर में पूछा था कि किसके कारण, यहाँ संजय लिख गया है, किसके कारण मांसपेशियों में थकान होती है। तो ये होगा आपको लैक्टिक एसिड के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। चलिए दो नंबर प्रश्न पूछा था कि पादप कोशिकाओं कठोरता प्रदान की जाती है। ये 9-10 का क्वेश्चन है। ये हो जाएगा कोशिका रस में भरी रिक्ति का कारण पादप कोशिका में। तीसरा नंबर प्रश्न था कि वायु जनित रोग कौन सा है। तो उसमें ऑप्शन नंबर था डिप्थीरिया, तपेदिक, निमोनिया और ऑप्शन नंबर डी में था इनमें से सभी। इसमें हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था। तो आर्यों का मूल निवास स्थान था एशिया माइनर से, एशिया माइनर से। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान कौन था। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने किया था। खिज्र खान ने जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसने कहा था कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के बिना गृह युद्ध का है। ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया था, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। अनुराग का हिंदी में पूछा था अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा। तो विराग होगा अनुराग का विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अच्छा बोलता है तो उसको सुवक्ता कहते हिंदी में। सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन किसमें होता है, लोहा में। लोहा का संकेत Fe और परमाणु संख्या 26 होता है। पीरियोडिक टेबल्स क्वेश्चन था। शुद्ध वर्तनी पूछा था इसमें कौन सा शब्द है। तो ये फुर्तीला होगा, ये फुर्तीला, इधर ऐसे लिखा जाएगा फुर्तीला, ऐसे लिखा जाएगा फुर्तीला, फुर्तीला शुद्ध वर्तनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संख्या 16 उसका पूछा था धातु है और धातु है कि उपधातु है। तो सबसे पहले S मतलब 16 सल्फर, सल्फर एक नॉन मेटल है यानी अधातु है। सल्फर, सल्फर को ही गंधक के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन मैथ में था। 450 ग्राम पानी में 50 ग्राम नमक की मात्रा में नमक की सांद्रता पूछा था। इसका परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए 450 में ऊपर 500 कर देंगे और निकाल देंगे परसेंटेज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्ट क्या है। ये एक जैव उर्वरक है। जैव उर्वरक का मतलब ये खाद बनाने के लिए वर्मी कंपोस्ट जिसे गोबर जमा करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार पौधे का संबंध वनस्पति विज्ञान से है, पौधे का संबंध वनस्पति विज्ञान से, इसी प्रकार कीट का संबंध किससे होगा। तो ये कीट विज्ञान से क्वेश्चन। ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के काम करता है, इसका खोज किसने किया था। नरेंद्र सिंह कमानी किया था। 1 ग्राम यूरेनियम कितना ऊर्जा उत्पादन करता है। तो 1 ग्राम यूरेनियम में 4.5 टन ऊर्जा उत्पादन होता है। उसके बाद पूछा था पहले उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या नाम था। तो पहले उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम था लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल पर किस चट्टान का सबसे ज़्यादा विस्तार होता है। अवसादी चट्टान, ये पेट्रोल भी अवसादी चट्टान का उदाहरण है। कौन सी नदी कुमारी, कुमायूं लिखा हुआ था, हिमालय के मिला, हिमालय और हिमनद के साथ निकलते थे। गौरी गंगा, ऑप्शन में आप एग्जाम दिए होंगे तो पता होगा। लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया था, ये लिया गया कनाडा से, कनाडा से और सारे संविधान से लिया गया। और राष्ट्रपति चुनाव कभी भी, राष्ट्रपति के चुनाव की विवाद को कहाँ लिया जा सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार की क्रिया की जाती है, मतलब केंद्र में किसके नाम को लेकर किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति और भारत के ही वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, जो एक आदिवासी राष्ट्रपति है, जो सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति, तो भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। किस अनुच्छेद के तहत, कानून के, यहाँ मिस्टेक हो गया, कानून के नियत मतलब बराबर संभावना होती है। तो अनुच्छेद 21 में हम कह सकते हैं जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद मानव विकास सूचकांक जिसको जारी करता है HDI, इसको हिंदी में कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कौन नहीं था। तो ये मानव पोषण और मानव स्वास्थ्य और पोषण था। और उसके बाद जीवित सरल उत्तक में सहारा प्रदान करता है, तो कोयलेन कामा करता है। और देखिए 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ था 3:2, मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी थी। तो यह हो जाएगा 5 लीटर। तरंग
दीर्घ तरंग क्या नहीं आती, ये चालन नहीं करता है दीर्घ तरंग, और भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जानते हैं, दादा भाई नौरोजी के नाम।